प्रगति है। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हुए पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूजिक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है? और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं देयर इज जेनेटिक्स, जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स एक, अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीजें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला कि मुझे भाई अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ मैं अच्छे से घुमा सकता हूं तो मैं चोरी करूंगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई से का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में उस चीज जो आपको कुरान और हदीस के से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम, हमारे खवातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली दे आर डिग्रेडिंग द वुमेन। इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन दे आर डिग्रेडिंग टू अ स्टेटस ऑफ मिस्ट्रेसेस, कॉन्क्यूबाइन्स, सोसाइटी बटरफ्लाइज विद द हिडन बिहाइंड द कलरफुल स्क्रीन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। द वेस्टर्न सोसाइटी कहती है कि हम खवातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो उसूलन क्या कर रहे, मीडिया के जरिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। मैं आपको मिसाल दूंगी, मैं आपको मिसाल देता हूं। आप जो कह रहे मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते ऐड के लिए, एक बहुत फेमस एड है जो एड है बीएमडब्ल्यू का, आपने सुना होगा बीएमडब्ल्यू के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है, मर्सिडीज का स्टेटस है, बीएमडब्ल्यू का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक एड में, एक मशहूर एड, मशहूर एड के बारे में मुझे एक इंसान ने, एक शख्स ने कहा कि बीएमडब्ल्यू की मशहूर एड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकनी के साथ, और वो एड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार, टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ, किसको, लड़की को क्या गाड़ी को। तो इस एड के जरिए, ये एड हमारे खवातीन, हमारे वालदा, हमारे बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी, फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन लिबरलाइजेशन दे क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं, इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।